देखो बच्चों एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो ये है, हमसे कहा गया एक फंक्शन एफ एक्स है लिमिट टी टेंडिंग टू जीरो टू एक्स बाई पाई कॉट इनवर्स एक्स बाई टी स्क्वायर, और हमसे कहा गया कि इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करिए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। ग्राफ प्लॉट हो गया तो उसकी लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी डोमेन रेंज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा मिनिमा सब आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कोई पूछ सकता है, जैसे हो सकता है डिफरेंशिएबिलिटी का ही क्वेश्चन पूछ ले, ग्राफ आ गया तो डिफरेंशिएबिलिटी आ जाएगी ना। तो जैसे ये क्वेश्चन क्या है, fx बराबर लिमिट t टेंडिंग टू 0 2x अपॉन पाई cot इनवर्स x अपॉन t स्क्वायर, है ना। इस क्वेश्चन का हमें देखो एक बार ग्राफ प्लॉट करना है। देखो ध्यान दो, अब ये cot इनवर्स, देखो ध्यान दो cot इनवर्स का ग्राफ याद है, देखो cot x ऐसे होता है, cot ऐसे होता है, देखो ये 0 से लेकर के पाई तक, ठीक है, ये पाई बाई 2 हो गया। तो cot इनवर्स क्या हो गया, देखो cot इनवर्स का ग्राफ अगर हम बनाएंगे देखो कुछ ऐसे करके जाएगा, ये ग्राफ हो गया देखो cot इनवर्स का 0 पाई और देखो ये हो गया पाई बाई 2, ठीक है, 0 पाई और ये क्या हो गया बोलो पाई बाई 2। देखो ये cot इनवर्स का ग्राफ है ना। देखो ध्यान दो बच्चों क्या होगा कि जैसे अगर हम x को 0 रखें तो एफ एक्स की देखो वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि देखो ये हो गया 0 और ये एग्जैक्ट 0 है ना, तो पूरे फंक्शन की वैल्यू देखो 0 हो जाएगी, है ना। देखो cot इनवर्स 0, देखो यहां पर क्या होगा, अगर हम x को 0 पुट करेंगे तो देखो ये टर्म हो जाएगा यहां पर 0, ठीक। तो मतलब देखो यहां पर क्या हुआ कि ये टर्म एग्जैक्ट 0 हो गया, है ना। तो एफ एक्स की देखो वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी यहां पर अगर हम एक्स को 0 ले लेंगे तब, है ना। देखो क्या होगा, अगर हम एफ एक्स को 0 लेंगे तो ये टर्म हो जाएगा 0, है ना। और देखो यहां पर क्या आएगा, कॉट इनवर्स ऑफ 0, है ना। देखो ये टर्म एग्जैक्ट 0 हो गया, है ना। अब देखो होगा क्या, यहां पर अगर हम एफ एक्स को 0 लिखेंगे, एक्स की वैल्यू 0 लेंगे तो एफ एक्स इक्वल टू 0। अच्छा देखो अगर हम x को कुछ भी पॉजिटिव ले लें, है ना, मान लो हम x की वैल्यू कुछ भी पॉजिटिव ले लें, है ना। देखो ध्यान दो एक्चुअली हो क्या रहा है, समझो ध्यान से। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। देखो एक तरीका तो ये है कि जब हम x को 0 लेंगे, देखो यहां पर लिमिट है, है ना। देखो क्या हो रहा है कि लिमिट t टेंडिंग टू 0 है ना। देखो ध्यान दो, जैसे हम डबल लिमिट वाले क्वेश्चन करते थे उसकी हेल्प से, देखो डबल लिमिट वाले क्वेश्चन, देखो जैसे क्या हुआ t टेंडिंग टू 0 है, देखो x को 0 हटा दिया, मान लो पहले मान लो मैंने x को पॉजिटिव लिया, ठीक। अगर हम x को पॉजिटिव लेंगे देखो तो क्या होगा, यहां पर fx बराबर t टेंडिंग टू 0 2x by pi और cot इनवर्स x by t स्क्वायर। देखो अगर हम t को पॉजिटिव लेते हैं तो देखो क्या होगा, यहां पर ये cot इनवर्स पॉजिटिव by 0 मतलब इंफिनिटी हो जाएगा, cot इनवर्स इंफिनिटी, है ना। और cot इनवर्स इंफिनिटी की वैल्यू देखो 0 है यहां पर, अगर हम cot इनवर्स इंफिनिटी को देखेंगे, क्योंकि देखो x है पॉजिटिव और t टेंडिंग टू 0 है और x पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है और cot इनवर्स 0, है ना। देखो ध्यान दो यहां पर क्या हो रहा है, cot इनवर्स 0, तो cot इनवर्स 0 की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो cot इनवर्स 0 हो रहा है देखो इंफिनिटी, है ना। cot इनवर्स की वैल्यू देखो यहां पर 0 पर हो रही है इंफिनिटी। तो देखो यहां पर हो क्या रहा है, अब जरा ध्यान दो, हमें ये ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए देखो हमें क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा एक बार ध्यान से। तो x को पॉजिटिव पर डिफाइन करें, अच्छा डिफाइन भी कहां करें ये भी समस्या है।
क्योंकि कौन से पॉइंट पर डिफाइन करें। देखो cot inverse को जीरो पर वैल्यू, मतलब अगर हम x को जीरो लेते हैं, देखो है ना, देखो अगर हम x की वैल्यू जीरो ले रहे हैं तब तो कोई समस्या है। देखो अगर हम t को पॉजिटिव ले लें तो पॉजिटिव x पॉजिटिव है, पॉजिटिव अपॉन जीरो मतलब इन्फिनिटी, और cot inverse इन्फिनिटी की वैल्यू देखो क्या हो रही है, जीरो हो रही, ध्यान दो है ना। अगर हम t को पॉजिटिव लेंगे तो 1 अपॉन t स्क्वायर ये हो जाएगा इन्फिनिटी, क्योंकि x तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इनटू इन्फिनिटी मतलब सब कुछ इन्फिनिटी हो गया, cot इनवर्स इन्फिनिटी। अगर हम यहाँ ध्यान दें तो इन्फिनिटी पर जाएंगे तो cot इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू देखो जीरो है ना। तो क्या हो रहा है, देखो ये पूरा का पूरा लिमिट जो होगा t टेंडिंग टू जीरो ये हो गया पॉजिटिव इंटू जीरो, तो देखो ये आंसर जीरो के बराबर आ गया अगर हम x को पॉजिटिव ले रहे हैं तब, है ना। पहले थोड़ा मैं गलत बोल गया था, दिमाग कहीं और चला गया था, ना तो मैं पहले कुछ और बोल गया था, अब ध्यान दो फिर से एक बार। जैसे क्या हुआ, अगर हम x को पॉजिटिव लेंगे तो t को जीरो लेंगे, तो t जीरो तो वन अपॉन जीरो देखो क्या है इन्फिनिटी, तो cot इनवर्स इन्फिनिटी आ गया क्योंकि x तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव अपॉन जीरो मतलब इन्फिनिटी। तो जब हम इन्फिनिटी पर जाएंगे तो cot इनवर्स की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो है, मतलब अगर हम x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर जाएंगे देखो तो cot इनवर्स x की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो है। अगर हम x को इन्फिनिटी पर ले जाएंगे तो cot इनवर्स की वैल्यू देखो ऑलमोस्ट जीरो है। देखो अगर इन्फिनिटी पर जाओगे तो y ऑलमोस्ट जीरो, y मतलब cot इनवर्स की वैल्यू जीरो है ना। अगर आप x को इन्फिनिटी पर ले जाओगे तो ग्राफ क्या कर रहा है, ग्राफ x एक्सिस के करीब आ रहा है, x एक्सिस के करीब आने का मतलब y की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो, y का मतलब cot इनवर्स, क्योंकि ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है y बराबर cot इनवर्स का, तो अगर y जीरो मतलब cot इनवर्स जीरो, तो मतलब x इन्फिनिटी जाने पर y ऑलमोस्ट जीरो मतलब cot इनवर्स ऑलमोस्ट जीरो, तो ये जीरो और x है पॉजिटिव तो सब कुछ जीरो आ गया, तो फंक्शन की देखो वैल्यू जीरो आ गई x की पॉजिटिव वैल्यू पर। अच्छा देखो अगर हम x को नेगेटिव ले लें तो क्या होगा, देखो x को नेगेटिव लेंगे तब देखो क्या होगा, देखो अगर हम x को नेगेटिव लेंगे तो लिमिट t टेंडिंग टू जीरो, और देखो ये हुआ 2x अपॉन पाई cot इनवर्स x बाई t स्क्वायर, ऐसा है देखो। अब देखो क्या होगा, t को जब तुम जीरो ले जाओगे तो 1 अपॉन t स्क्वायर इन्फिनिटी हो जाएगा, लेकिन x नेगेटिव है तो पूरा माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। देखो अगर तुम x को माइनस इन्फिनिटी लोगे तो देखो ये रहा फंक्शन, y की वैल्यू ऑलमोस्ट पाई, यानी अगर तुम x को लोगे माइनस इन्फिनिटी तो cot इनवर्स x ऑलमोस्ट पाई के बराबर होगा, ध्यान दो। देखो अगर x को माइनस इन्फिनिटी लोगे तो हमारा जो फंक्शन है, देखो हमारा फंक्शन y की वैल्यू ऑलमोस्ट पाई के बराबर, लगभग पाई के बराबर, मतलब cot इनवर्स पाई के बराबर x को माइनस इन्फिनिटी ले लेता, तो देखो ये वैल्यू पाई हो जाएगी है ना, ये पाई हो जाएगा और ये अपॉन पाई है, पाई से पाई कटेगा तो fx क्या बचेगा, fx बचेगा देखो लिमिट t टेंडिंग टू जीरो 2x बाई पाई, और ये भी पाई, पाई से पाई कटा से बचा 2x और t टेंडिंग टू जीरो है, इसका मतलब fx 2x के बराबर ही हो जाएगा क्योंकि t टेंडिंग टू जीरो है, उसका x पर फर्क नहीं पड़ेगा, वो 2x के ही बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिए x नेगेटिव पर। अच्छा पहला केस देखो ये हुआ, दूसरा केस देखो ये हुआ। अब अगर x को जीरो रखा जाए तो देखो अगर x को जीरो रखेंगे तो fx क्या होगा, एग्जैक्ट जीरो रखो तो हो गया लिमिट t टेंडिंग टू जीरो, ये हो गया जीरो और इनटू cot इनवर्स जीरो, एग्जैक्ट जीरो है ना, cot इनवर्स जीरो, क्योंकि x को जीरो रखेंगे तो हर जगह सीधे सीधे रखेंगे। अब देखो क्या हुआ, ये है जीरो और cot इनवर्स जीरो, cot इनवर्स जीरो कितना है पाई बाई टू, एग्जैक्ट जीरो, cot इनवर्स जीरो की वैल्यू देखो ग्राफ में देखो क्या है पाई बाई टू,
तो ये हो गया 0 इंटू पाई बाई 2, तो आंसर भी हो गया पाई बाई 2, क्योंकि देखो लिमिट t पर है और t का फर्क इस पर पड़ेगा नहीं, तो ये पाई बाई 2, तो आंसर भी क्या हो गया बोलो पाई बाई 2 के बराबर, मतलब 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही बोलो पाई बाई 2 के बराबर हो रही है, है ना। क्योंकि जब हम x को एग्जैक्ट 0 रखेंगे तो क्या होगा, देखो ये हो जाएगा 0, सॉरी ये 0 और ये पाई बाई 2, तो वैल्यू एग्जैक्ट 0 हो गई, क्योंकि ये तो 0 है और cot इनवर्स 0 क्या है बोलो पाई बाई 2, तो ये 0 और cot इनवर्स 0 है पाई बाई 2, तो 0 * पाई बाई 2 क्या हो गया 0, तो 0 पर फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्ट 0 आ गई। तो देखो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार बनना चाहिए, देखो क्या हो रहा है, ये x एक्सिस है ये y एक्सिस है, देखो 0 पर वैल्यू 0 है, 0 के आगे जाएंगे तब भी वैल्यू 0 है, देखो एग्जैक्ट 0, 0 के आगे जाने पर y की वैल्यू 0, y 0 मतलब x एक्सिस और 0 पर वैल्यू 0 है, 0 के पीछे y की वैल्यू क्या है बोलो 2x, तो 2x देखो ये ग्राफ होता है 2x लाइन, देखो ये वाला ग्राफ, ये ग्राफ है y बराबर 2x, है ना, क्योंकि देखो y बराबर mx लाइन, y बराबर mx लाइन ऐसे ही तो होती है, m की वैल्यू क्या है 2, लेकिन ये y बराबर 2x ग्राफ कब चाहिए, x नेगेटिव पर चाहिए, x नेगेटिव पर, तो x नेगेटिव का मतलब इसका ये हिस्सा लेना होगा, ये वाला हिस्सा, तो देखो इसका ये हिस्सा लेना होगा ऐसे, तो ये बन गया इस पूरे फंक्शन का ग्राफ, है ना, 0 पर वैल्यू 0 है, 0 के आगे जाएंगे तो फंक्शन की वैल्यू देखो 0 हो रही है, 0 के पीछे जाने पर फंक्शन की वैल्यू क्या है 2x, और y बराबर 2x लाइन देखो ऐसे होती है, y बराबर ms का ग्राफ, क्योंकि m की वैल्यू 2 हो गई, तो y बराबर mx लाइन ऐसे होगी, ओरिजिन से पास होगी, लेकिन इसका वो पार्ट लेना है जो 0 के पीछे है, क्योंकि x less than 0 पर लेना है 2x, तो इस ग्राफ का वो हिस्सा लेना है जो 0 के पीछे है, देखो ये वाला हिस्सा, वो हमने उठा करके यहाँ पर रख दिया, तो ये हमारे देखो fx का ग्राफ हो गया, ये हमारे फंक्शन का देखो ग्राफ हो गया, है ना, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखो ग्राफ को देख कर क्लियर दिख रहा है कि फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस है लेकिन 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है, लिखो बच्चों ध्यान से इसको, अच्छा क्वेश्चन है।